कैसे हैं दोस्तों। 2010 में ये हुआ कि बलूचिस्तान से एक बहुत संजीदा चेहरे वाले अफ़गान पश्तून ने अफ़गानिस्तान हुकूमत के एक ऑफिशियल से राबता किया और बताया कि वो तालिबान के सीनियर कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर हैं और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 2010 के हिसाब से देखें दोस्तों तो ये खबर, ये बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। जिस अफ़गान ऑफिशियल से राबता किया गया था वो तालिबान और अफ़गान हुकूमत दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखता था, सो वो बहुत खुश हुआ। उसने अमरीकी जनरल मैक्रिस्टल से लेकर बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 तक इतलात पहुंचा दी कि तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अफ़गान हुकूमत तक भी इतला पहुँचा दी गई। तालिबान के इसी नुमाइंदे ने यानी मुल्ला अख्तर मंसूर ने कहा कि वो अपने दीगर साथियों के साथ वापस आएंगे और मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई शरायत पेश करेंगे। सो दोस्तों, मुकर्रा वक्त पर मुल्ला अख्तर मंसूर से बरतानवी एजेंसी MI6 और अफ़गान हुकूमत के अहलकारों ने मुलाकात की, इब्तदाई बातचीत हुई, तारुफ़ वगैरह हुआ और आखिर में अफ़गान सदर हामिद करज़ई से उनकी मुलाकात का वक्त भी एक तय कर लिया गया। जाते हुए न जाने क्यों उन्हें हज़ारों डॉलर्स अलग से दे दिए गए। साथ में डॉलर्स लेकर वो चले गए। अगली मुलाकात के लिए मुकर्रा वक्त पर वो फिर आ गए। उन्हें बरतानवी खुफिया एजेंसी ने C-130 तैयारे पर बिठाया और पूरे प्रोटोकॉल के साथ काबुल के सदारती महल में मुलाकात के लिए ले आए। यहाँ उनकी मुलाकात अफगान और अमरीकी आला अहदेदारों से हुई। सदर हामिद करज़ई से मुलाकात अलबत्ता कन्फर्म नहीं हो सकी। बहरहाल दोस्तों, इस मुलाकात में मुल्ला अख्तर मंसूर ने मुज़ाकरात के लिए तीन पहली शरायत पेश कर दी। तालिबान नुमाइंदे ने कहा कि रहबरी शूरा का मुतालबा है कि तालिबान के तमाम कमांडर्स को अफगानिस्तान में पुरअमन वापसी का मौका दिया जाए, महाज के जंगजुओं को सरकारी नौकरियां दी जाएं और हमारे गिरफ्तार साथियों को रिहा कर दिया जाए। अब दोस्तों, ये शरायत तो अमेरिका और अफगान हुकूमत के लिए हलवा थी, नहायत ही काबिल कबूल थी। वो ये मुतालबा सुनकर खुशगवार हैरत में डूब गए। उन्होंने इस मुलाकात करने वाले तालिबान रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की कुछ तस्वीरें ली वहीं और गिरफ़्तार तालिबान कैदियों को दिखाया कि क्या ये असली मुल्ला अख्तर मंसूर हैं जो रहबरी शूरा में मुल्ला बरदर के बाद सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। कुछ तालिबान कैदियों ने तस्दीक कर दी लेकिन ज़्यादातर ने कहा कि वो कभी मुल्ला अख्तर मंसूर से मिले ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि ये शख्स असल में कौन है। खैर, अमेरिका जो अफगानिस्तान से जल्द अज जल्द निकलने की सोच रहा था उन दिनों, उसके कमांडर जनरल मैक्रिस्टल के लिए यह खबर तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं, यह खबर बहुत बड़ी खबर थी। उन्होंने खुशी खुशी इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि उनके ताबड़तोड़ हमलों ने दरअसल तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। व्हाइट हाउस से न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर अखबारात को पैगामात भेजे गए कि अगर वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की खबर नहीं रोक सकते तो बराए मेहरबानी मुल्ला अख्तर मंसूर का नाम रोक लें। उनका ख्याल था कि इससे इन तालिबान रहनुमा की पोजीशन तालिबान के रैंक्स एंड फाइल में मुतनाज़ा हो जाएगी, क्योंकि बहुत से तालिबान लीडर्स और उनके जंगजू मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। सो अगर ये खबर लीक हो जाती तो अमेरिकन्स का ख्याल था, ऑफिशियल्स का ख्याल था कि जो तालिबान कमांडर्स मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं वो मुल्ला अख्तर मंसूर के लिए और अमेरिका के लिए भी मसाइल पैदा कर सकते हैं और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं। सो इस दरख्वास्त को अमरीकी अखबारात ने कबूल किया और उन्होंने खबर तो नहीं रोकी लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर का नाम कुछ अखबारात ने, बड़े अखबारात ने छुपा लिया। तीसरी मुलाकात के लिए भी उन्हें लाया गया, उन तालिबान रहनुमा को। उनके शरायत के मुकाबले में अमरीकियों और अफगान हुकूमत ने अपनी शरायत पर बात की। एक बार फिर हज़ारों डॉलर्स खैर सगाली के तौर पर उन मुल्ला अख्तर मंसूर को दिए गए और जहाज़ में बिठाकर वापस क्वेटा के आसपास कहीं ड्रॉप कर दिया गया। इस आखिरी मुलाकात में दोस्तों, अफगान हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को भी बिठाया था जो कर तो कुछ नहीं रहा था, बस वहाँ बैठकर देख रहा था, और वो शख्स कुछ बरस पहले मुल्ला अख्तर मंसूर से मुलाकातें कर चुका था, वो उन्हें पहचानता था। इस शख्स ने मुज़ाकरात के तीसरे दौर के ख़त्म होने पर शक जाहिर किया कि ये जो शख्स तालिबान का सीनियर मोस्ट लीडर और मुल्ला उमर का दस्ते रास्त यानी मुल्ला अख्तर मंसूर मुबैना तौर पर आकर हमसे मुज़ाकरात कर रहा है, बात कर रहा है, उसे नहीं लगता कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर है। लेकिन अफगान ऑफिशियल्स, कुछ बरतानवी और कुछ अमरीकी इंटेलिजेंस के हुक्म बज़िद थे कि यही असली मुल्ला अख्तर मंसूर है। मगर जब कई हफ्तों तक उस शख्स ने यानी उस मुबैना मुल्ला अख्तर मंसूर ने दोबारा राबता नहीं किया और रहबरी शूरा से बिलवास्ता ज़राए से अफगान हुकूमत ने, अमेरिकन्स ने मालूम भी कर लिया कि मुल्ला अख्तर मंसूर का तो इस मुज़ाकरात वाली बात से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो अफगान हुकाम, CIA और MI6 को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी।
वो माहिर बहरूपिया अफगान जो आर्मी खुफिया एजेंसी से लंबे चौड़े डॉलर्स लेकर चला गया था, कभी वापस नहीं आया और ना ढूंढे से मिल सका। हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया कि वो तो कोयटा के मुजाफात में एक आम सा बलोची दुकानदार था जो बस कुछ ऐसे हुकाम को जानता था जो अफगान हुकूमत के करीब थे। इस शानदार बहरूपिया का राज खुला तो अफगान सदर हामिद करजई समेत सब ने उससे मुलाकात और मुज़ाकरात से इनकार करना शुरू कर दिया कि हमारी तो मुलाकात हुई नहीं। लेकिन अमरीकी और बरतानवी अखबारात ने अपने जनरल्स और सियासी हुकाम का खूब मजाक उड़ाया, बल्कि ये बात आलमी सतह पर एक मजाक बन गई कि एक बलोची पश्तून दुकानदार आलमी ताकतों को ठीक ठाक चूना लगाकर चलता बना है। इस दुकानदार का इल्ज़ाम कभी ISI पर लगाया गया, कभी तालिबान की एक इसे टेस्ट गेम कहकर सुबकी से बचने की कोशिश की गई, लेकिन जाहिर है भद उड़ चुकी थी, मजाक बन चुका था। तालिबान भी जान चुके थे कि अमरीकियों के पास उनके अहम लीडर्स के ना तो फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही ताज़ा तस्वीर, सो कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है और आप देखिए कि वो बने भी। अब दोस्तों, वो तो कोई बहरूपिया था या कोई और गेम थी जो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ जेन्युइन तालिबान रहनुमा भी थे जो वाकई अमेरिका और अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। इन्हीं लोगों ने अमरीकी हुकूमत से खुफिया लिंक बना लिया। वो यूं किया गया कि रहबरी शूरा ने अपने एक सीनियर नुमाइंदे के ज़रिए एक सऊदी शहरी से राबता किया। इस सऊदी शहरी के ज़रिए एक अमरीकी अहलकार बर्नेट रॉबन से राबता किया गया। बर्नेट रॉबन्स ओबामा हुकूमत में पाक अफगान खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड हालबोर्ग के स्टाफ मेंबर थे। इस नामालूम सऊदी शख्सियत ने दुबई में बर्नेट रॉबन से मुलाकात की और उनसे कहा कि मुल्ला उमर की क़यादत में कोयटा शूरा अमरीकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कोयटा शूरा यानी रहबरी शूरा की तरफ से मुज़ाकरात के लिए तैयब आगा को तालिबान का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। तैयब आगा के तारुफ़ के लिए दोस्तों शायद यही काफ़ी हो कि वो तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में मुल्ला उमर के ज़ाती चीफ ऑफ द स्टाफ थे और उनके रिश्तेदार भी थे। वो इंग्लिश बहुत रवानी से बोलते थे, गैर मुल्कियों का मिजाज भी समझते थे, उनके साथ वक्त गुजार चुके थे, सो वो रबते के लिए तालिबान के लिहाज से एक सूटेबल शख्स थे जो दोनों तरफ की बात समझ और समझा सकते हैं। तो दोस्तों, बात ये हुई कि जब तैयब आगा के ज़रिए तालिबान ने मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की तो उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। मसला इसलिए कि तैयब आगा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को एतमाद में लिए बग़ैर मुज़ाकरात करने चले आए थे। ये बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गवारा नहीं थी। उन्होंने इन बराह रास्त रबतों को बंद करवाने की कोशिश की। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर पर सऊदी अरब से भी कहा कि वो तैयब आगा को अमरीकियों के पास जाने से रोक दें, लेकिन उस वक्त तक तैयब आगा एक अफगान महाजर के ज़रिए जर्मन इंटेलिजेंस से भी रबते इस्तवार कर चुके थे। जर्मन इंटेलिजेंस के अहलकारों ने 2010 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में उनसे मुलाकात भी कर ली थी। इसके बाद जर्मन इंटेलिजेंस ने इस बारे में अमरीकियों को आगाह कर दिया। यानी दो रास्तों से, सऊदी ज़रिए से और जर्मन ज़रिए से अमरीकियों को तालिबान की रहबरी शूरा यानी कोयटा शूरा का पैगाम मिल गया। अब अमरीकियों को तालिबान की तरफ से एक नया मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो वो कनखियों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अभी अभी एक बहरूपिये ने उनको मुज़ाकरात के नाम पर ही ठीक ठाक उल्लू बनाया था और हज़ारों या शायद लाखों डॉलर्स लेकर चलता बना था, क्योंकि वो किसी को बता थोड़ा रहे थे कि हम कितने डॉलर्स उसको दे चुके हैं, और अमरीकी उसका मुंह देखते रह गए थे, कुछ नहीं कर सके थे। इसलिए अब भी अमरीकियों को परेशानी थी कि कहीं तैयब आगा भी जाली मुल्ला अख्तर मंसूर की तरह कोई ठग ही ना हो। चुनाचे उन्होंने तैयब आगा के सामने दो ऐसी शरायत रखी जिन पर अमल से बासानी तैयब आगा के असली तालिबान नुमाइंदा होने या ना होने का पता चल सकता था। अमरीकियों ने पहली शर्त यह रखी कि वो तालिबान की कैद में एक अमरीकी फौजी की ज़िंदगी के मुतल्लिक सबूत फराहम करें। दूसरी शर्त या काम ये कि मुल्ला उमर ईद पर जारी होने वाले पैगाम में सोमालिया के मुसलमानों का जिक्र भी कर दें। यह सिर्फ टेस्ट करने के लिए था कि तैयब आगा का मुल्ला उमर से राबता भी है या नहीं, वो उनके नुमाइंदे भी हैं या नहीं। अब हुआ ये दोस्तों कि तैयब आगा ने ये दोनों काम बआसानी अपने वक्त पर करवा दिए। यानी अमरीकी फौजी के ज़िंदा होने का सबूत भी अमरीकियों को फ्राहम कर दिया गया, गालबन कोई वीडियो पैगाम था वो, और मुल्ला उमर की तरफ से ईद पर जो पैगाम जारी किया गया उसमें सोमालिया के मुसलमानों का जिक्र भी आ गया। इन दोनों बातों पर अमल से साबित हो गया कि तैयब आगा जो कह रहे हैं वो वाकई तालिबान के मरकजी रहबरी शूरा ही की तरफ से कह रहे हैं और उन्हें मुल्ला उमर का एतमाद भी हासिल है।
अब चुनाचे अमरीकियों ने नवंबर 2010 में तैयब आगा से फेस टू फेस आमने सामने मुलाकात का फैसला कर लिया। ये मुलाकात जर्मनी के शहर म्यूनिख के करीब किसी सेफ हाउस में होना थी। इस मकसद के लिए दोहा के एयरपोर्ट पर यानी कतर में जर्मनी का खसूसी तैयारा तैयब आगा को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन ऐन वक्त पर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। तालिबान के नुमाइंदे तैयब आगा को अचानक न जाने क्या हुआ कि उन्होंने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उन्हें खौफ था कि ये तैयारा उन्हें जर्मनी नहीं बल्कि बदनामे जमाना अमरीकी जेल ग्वांतानामो बे यानी क्यूबा ले जाएगा, जहां उन्हें कैद कर दिया जाएगा। अब इस सूरत हाल में जर्मन्स जो उन्हें ले जाने के लिए आए थे बहुत परेशान हुए। उन्होंने बराह रास्त अमरीकी सदर बाराक ओबामा से टेलीफोनिक राबता कायम किया। आखिर अमरीकी सदर ओबामा ने जर्मन्स को अपने दफ्तर से बराह रास्त जाती गारंटी दी कि वो तैयब आगा के तहफ्फुज़ का वादा करते हैं और उन्हें किसी तौर भी ग्वांतानामो बे नहीं ले जाया जाएगा। जर्मन्स ने अमरीकी सदर की यह गारंटी तैयब आगा तक पहुँचा दी। तैयब आगा को जब जर्मन्स की बात पर और अमरीकी सदर की गारंटी पर किसी तरह यकीन आ गया तो वो जर्मन तैयारे में सवार हुए, जहां से वो फिर म्यूनिख पहुंचे और खुफिया सेफ हाउस में अमरीकियों से उनकी मुलाकात हुई। तुर्शी हुई छोटी छोटी दाढ़ी और तालिबान के सफ़ेद शलवार कमीज से हटकर दूसरे आम लिबास में तैयब आगा ने अमरीकियों से पहली वन ऑन वन मुलाकात की थी। तालिबान का इब्तदाई मुतालबा उनकी तरफ से सिर्फ इतना था कि उनके कैदी रिहा किए जाएं और उन्हें अपना सियासी दफ्तर पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की इजाज़त दी जाए जिसका एक एड्रेस हो दुनिया से राबते के लिए। इसके मुकाबले में अमरीकियों ने पहली मुलाकात में मुतालबा किया कि जो अमरीकी फ़ौजी तालिबान की कैद में है उसे फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये उन्होंने किया कि तालिबान अफ़गानिस्तान में अमन की जो कोशिशें हो रही हैं वसी तर उनका हिस्सा बने। दोस्तों मुलाकातें ज़रा मैच्योर हुई तो अमेरिका ने मुस्तकबिल के लिए तालिबान के सामने तीन वाज़ह शरायत पेश कर दी। पहली ये कि तालिबान तशद्दुद छोड़ दें, दूसरी ये कि वो अलकायदा से अपने ताल्लुक ख़त्म कर दें, और तीसरी शर्त ये थी कि वो अफ़गानिस्तान के आइन को तस्लीम करें। दोस्तों ये सारी बातें अमेरिका ने बहुत खुफिया रखी थी, हत्ता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें भी इस मुलाकात और इस एजेंडे से बेखबर थीं। लेकिन फिर हुआ ये कि काबुल हुकूमत को किसी तरह इस बात की भिनक लग गई। काबुल हुकूमत ने किसी तरह 25 मई 2011 को जर्मन जरीदे देयर स्पेगल को यह खबर तैयब आगा के नाम के साथ लीक कर दी और इसमें जर्मनी और अमेरिका की शमूलियत की बात भी जाहिर कर दी। जर्मन जरीदे ने यह खबर छाप दी। इस खबर से पाकिस्तानी हुकूमत शदीद नाराज़ हुई क्योंकि इसका मतलब ये था कि तालिबान और अमेरिका उन्हें शामिल किए बगैर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर चुके हैं। अब देखिए कि उस वक्त उसामा बिन लादन को मारने वाले अब्टाबाद ऑपरेशन को भी एक माह भी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तानी हुकूमत इस ऑपरेशन की वजह से अमेरिका से पहले ही नाराज थी और अब पाकिस्तान को ये एहसास भी सताने लगा था कि उसे अफगान अमन अमल से स्टेक होल्डर की हैसियत से भी शायद बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान को अपने करीब रखने और मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान का फिर दौरा किया और अहम मुलाकातें की। बहरहाल दोस्तों किस्सा मुख्तसर कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत की जो कड़ी जुड़ गई थी वो फिर टूटी नहीं। उसामा बिन लादन की मौत के बाद अमेरिका खुलकर सबके सामने तालिबान से बातचीत के लिए तैयार था, बातचीत कर रहा था। चुनाचे 2013 में यानी पहली मुलाकात के 2.5 साल बाद ही कतर के शहर दोहा में तालिबान का ऑफिस खोल दिया गया। ऑफिस खोले जाने की तकरीब लाइव दिखाई गई। तालिबान ने अपनी साबका इस्लामी अमारात अफगानिस्तान का कलमा तैयबा वाला सफ़ेद झंडा लहराया और दुआ मांगी। इस तकरीब में शरीक सभी तालिबान नुमाइंदे अपना तंजीमी सफ़ेद शलवार कमीज़ और स्या वास्कट पहने हुए थे। ये दफ्तर एक 2 मंजिला इमारत में कायम किया गया था जिसके बाहर पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। इस दफ्तर को इब्तदाई तौर पर जो तालिबान रहनुमा डील कर रहे थे उनमें तैयब आगा, शेर मोहम्मद अब्बास अटंकजई और शहाबुद्दीन दिलावर शामिल थे। सुहेल शाहीन को इस दफ्तर का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था और आखिरी वक्त तक वही इसके तर्जुमान रहे। अब दोस्तों आप देखिए कि कतर में तालिबान का ऑफिस खुलवाना दरअसल अमेरिका का अपनी कायम करदा अफगान सियासी हुकूमत की पीठ में खंजर के बराबर था। वो कैसे?
माइक्यूरस फेलोज कतर में इस ऑफिस के क़याम का मतलब ये था कि अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान में एक सियासी स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया है और अब वो उनकी नज़र में दहशतगर्द नहीं रहे। इससे पहले अमेरिका के तालिबान से जो रबते थे वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, लेकिन अब ये रबते ऑफिशियल हो गए थे और अफगानिस्तान की सियासी हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर हुए थे। इस दफ्तर के क़याम से एक और बात जो वाज़ेह हो गई थी वो ये थी कि अमेरिका अब काबुल हुकूमत को बाईपास करके तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा था। यही वजह थी कि काबुल हुकूमत ने इस ऑफिस के क़याम पर शदीद एहतजाज किया। काबुल हुकूमत के एतराज़ पर दोहा ऑफिस से तालिबान का परचम और इस्लामिक अमारात ऑफ अफगानिस्तान वाली प्लेट उतरवा दी गई। अब तख्ती उतर जाए या लगी रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हकीकत तो अपनी जगह बजात खुद मौजूद थी ना कि तालिबान का सियासी दफ्तर खुल चुका है और दुनिया के पास तालिबान से रबते के लिए एक एड्रेस मौजूद है। इस बातचीत में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मजीद एतमाद उस वक्त आया जब तालिबान ने अमरीकी फौजी बो बरगदाल को रिहा कर दिया। इस रिहाई के बदले अमेरिका ने भी 5 अफगान तालिबान लीडर्स को ग्वांतानामो बे से रिहा करके कतर में तालिबान ऑफिस के हवाले कर दिया। दोस्तों साल 2014 तालिबान और अमेरिका दोनों के लिए एक अहम साल था, क्योंकि इस साल अमेरिका और नाटो का फौजी मिशन भी ख़त्म हो गया था और तालिबान के कैदी ग्वांतानामो बे जेल से वापस आने लगे थे। यूँ दोनों तरफ से बर्फ पिघल रही थी, लेकिन इसमें अचानक एक बहुत नाजुक मोड़ आ गया। वो ऐसे कि 2016 में एक अमरीकी ड्रोन ने बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हुए तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक कर दिया। यही वो सरबराह थे जो इस सारे मुज़ाकरात के अमल को लीड कर रहे थे। उनकी मौत और वो भी अमरीकी ड्रोन हमले से तालिबान और अमेरिका के रवा मुज़ाकरात के लिए बहुत बड़ा धचका था। इसके अंदर की कहानी दोस्तों आप पिछली किस्त में तफसील से जान चुके हैं। मुल्ला उमर के साथ क्या हुआ, फिर मुल्ला अख्तर मंसूर कैसे सुप्रीम लीडर बने, उनके साथ इख्तलाफात क्या थे, और वो सारी कहानी आप तफसील से अच्छे तरीके से जान चुके हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद मुल्ला हब्दुल्ला खुमजादा तालिबान के सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने भी अमेरिका से मुज़ाकरात का सिलसिला बंद नहीं किया। अलबत्त अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में मज़ीद कोई ब्रेक थ्रू इन मुज़ाकरात में नहीं हो सका। ब्रेक थ्रू शायद इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अमेरिका चाहता था कि तालिबान अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें, लेकिन इसमें कुछ मसाइल थे। अफगान हुकूमत दोहा या नॉर्वे समेत किसी भी जगह अफगानिस्तान से बाहर जाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी। वो चाहते थे कि तालिबान काबुल में आकर उनसे मुज़ाकरात करें, और दूसरी तरफ तालिबान का मसला ये था कि वो तो अफगान हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि असल इख्तियार तो अमेरिका के पास है, काबुल की करज़ई या अशरफ गनी हुकूमत तो एक कठपुतली हुकूमत है। कठपुतली से मुज़ाकरात के लिए वो हरगिज़ तैयार नहीं हो रहे थे, और वो कहते थे कि मुज़ाकरात सिर्फ अमेरिका से होंगे और सिर्फ एक नुक्ते पर होंगे कि वो जाएगा कब। इसी वजह से बराक ओबामा के दौर में मुज़ाकराती अमल तातुल ही का शिकार रहा। तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात में असल ब्रेक थ्रू तब आया जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने। उनके सदर बनने तक तालिबान की पोजीशन बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। दोस्तों ये 2017 के अफगानिस्तान का नक्शा आपके सामने है। इसमें सुर्ख निशान वाली जगह तालिबान के कंट्रोल में थी, जबकि नीले निशानात वाली जगह हुकूमती कंट्रोल में, यानी अफगान हुकूमत के कंट्रोल में। बाकी ये जो सारा ब्लैंक एरिया है ये किसी ग्रुप के कंट्रोल में नहीं था, यानी इसके कंट्रोल के लिए तालिबान और अफगान फोर्सेस में मुसलसल खींचातानी हो रही थी। मतलब अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अफगान हुकूमत के अमली कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था, बल्कि काबुल से बाहर उनकी रिट बहुत कमज़ोर थी, ना होने के बराबर थी। 2018 में तो दोस्तों बीबीसी ने ये रिपोर्ट दी कि तालिबान, जिन्हें शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च किए, अब 70% अफगानिस्तान में खुलेआम मुतहर्रिक हैं, यानी ये इलाके उनकी ताकत के हिसार में हैं। ये उस वक्त की बात है दोस्तों जब तालिबान शुमाली अफगान सूबे कंदूज के दारुल हुकूमत पर बार बार हमले कर रहे थे। वो कि अमेरिका और नाटो के फ़िज़ाई हमलों की वजह से तालिबान बार बार पीछे हट जाते थे, लेकिन उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपना दबाव भरपूर तरीके से बरकरार रखा हुआ था। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की ये हालत हो चुकी थी कि तालिबान के हर हमले में उनका भारी जानी नुकसान हो जाता था। यकम फरवरी 2017 को अमरीकी हुकूमत ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2016 में अफगान फोर्सेज ने 2015 के मुकाबले में 35% ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है।
ये तमाम नुकसानात इस बात का सबूत थे कि अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर्स खर्च किए जाने के बावजूद अफगान फौज अपने बुनियादी चैलेंज से निपटने की सलाहियत भी नहीं रखती। अफगान फौज में खाली वैकेंसीज को, खाली जगहों को पुर करने के लिए भर्ती की उम्र की हद भी 40 बरस तक बढ़ा दी गई थी, यानी 40 बरस का भी एक शख्स आकर अफगान फौज में भर्ती हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद अफगान फौज की तादाद कम थी, क्योंकि हर साल एक तिहाई, 1/3 अफगान फौजी हलाक हो जाते थे, रिटायर्ड हो जाते थे, या फिर सीधे सीधे अमरीकी असलाह लेकर भाग जाते थे। अफगान आर्मी की तादाद 1,95,000 मुकर्रर की गई थी, लेकिन वो हर वक्त कम अज कम 25,000-30,000 जवानों की कमी का शिकार ही रहती थी। फौजियों की यह खाली असामियां दोस्तों करप्शन का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी थी। कई जगहों पर अफगान फौजी अपने जवानों की तादाद असल से कहीं ज़्यादा दिखाते थे। ऐसे फौजियों को घोस्ट सोल्जर्स कहा जाता था, क्योंकि पेपर्स पर तो उनका वजूद था लेकिन असल में वो कहीं नहीं थे। तो इन घोस्ट सोल्जर्स की तनख्वाहें भी उन्हीं के सीनियर अफसरान वसूल करते थे, क्योंकि ज़्यादातर धंधा कैश पर ही चल रहा था। अफगान हुकूमत ने घोस्ट सोल्जर्स को ख़त्म करने के लिए फ़ौज में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का तरीका मुतारिफ करवाने की कोशिश की, यानी जिसके नाम की तनख्वाह जारी हो सिर्फ वही ये तनख्वाह वसूल कर सके। लेकिन करप्ट फौजी अफसरान ने कई बरस तक इस तरीक़ाकार को नाफिज ही नहीं होने दिया और घोस्ट सोल्जर्स के नाम पर तनख्वाहें वसूल करते रहे। अफगान हुकूमत आम तौर पर अपनी फोर्सेज की हलाकतों की तादाद भी जाहिर नहीं करती थी, ताकि फोर्सेज का मोराल डाउन ना हो। ताहम 2019 में अफगान सदर अशरफ गनी ने यह इंकशाफ किया था कि 2014 में उनके सदर बनने के बाद से अब तक 45,000 अफगान फौजी और पुलिस एहलकार मारे जा चुके हैं, यानी 5 बरस में 9,000 फी साल की एवरेज से अफगान सोल्जर्स की, सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतें हो रही थीं। इसके मुकाबले में 2014 में चूंकि अमेरिका और नेटो का फौजी मिशन अफगानिस्तान में ख़त्म हो गया था, इसलिए गैर मुल्की फौजियों की हलाकतों में ड्रामाई कमी आ चुकी थी। 2014 में सिर्फ 55 अमरीकी फौजी हलाक हुए, और इसके बाद 2021 तक एक साल में जो ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए उनकी तादाद महज 24 थी। ये वाकया 2019 में पेश आया था, जबकि दूसरे गैर मुल्की फौजियों की हलाकतों की तादाद कभी 5 से आगे नहीं बढ़ी एक साल। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने भी एक बार अफगानिस्तान में जंग को भड़काने की कोशिश की। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक जारहाना मिजाज वाले सदर थे, वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को कमज़ोर पोजिशन में नहीं दिखाना चाहते थे, जबकि उस वक्त तक ये साफ जाहिर हो चुका था कि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में वो जीत हासिल नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। चुनाचे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मौक़ों पर जंग को जारी रखने के लिए, बल्कि उसे तेज़ करने के लिए बहुत कोशिशें की। उन्होंने 3,000 मज़ीद अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान भेजे। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में दाश के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी कार्रवाइयाँ की। उनके हुक्म पर दोस्तों अमरीकी फोर्सेज ने 13 अप्रैल 2017 को अफगान सूबे नंगरहार में दाश के एक ठिकाने पर मदर ऑफ ऑल बम्स गिराया। यह अमेरिका का सबसे ताकतवर गैर जोहरी हथियार था, जिसकी ताकत 11 टन धमाका खेज मवाद के बराबर थी। इस हमले में दाश के 90 से ज्यादा जंगजू मारे गए। अगस्त 2017 में ट्रंप ने अफगानिस्तान में जंग को जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो अपने इस फैसले पर नजरअसानी करने पर मजबूर हो गए। तालिबान और अमेरिका में दोबारा मुजाकरात शुरू हो गए। जनवरी और फरवरी 2019 में ये खबरें सामने आईं कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक माहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक हो गया है। इस फ्रेमवर्क पर मुजाकरात आगे बढ़ते रहे। 29 फरवरी 2020 को भी आखिर अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक माहदा तय पा गया, जिसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इस एलामिया की जो कॉपी जारी की गई है उसके मुताबिक माहदे में 4 पॉइंट्स पर बात की गई थी। पहला नुकता यह था कि तालिबान इस बात की गारंटी देते हैं कि कोई भी आलमी दहशतगर्द ग्रुप, ग्रोह या फर्द अफगान सरजमीन को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दूसरा नुकता यह था कि इस माहदे के बाद अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। तीसरा पॉइंट ये कि तालिबान और इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की हुकूमत यानी काबुल हुकूमत के दरमियान इंट्रा अफगान डायलॉग होंगे। इस माहदे का चौथा पॉइंट ये था कि अफगानिस्तान में एक मुस्तकिल और मुकम्मल सीज़ फायर किया जाएगा,
यानी जंग बंदी होगी, कोई वायलेंस नहीं होगा। इसके अलावा माहदे में यह भी तय पाया था कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल से मुतालबा किया जाएगा कि वो तालिबान लीडर्स पर से पाबंदियां हटा दे। इस एग्रीमेंट के बाद अक़वामे मुत्तहिदा ने यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें तालिबान का नाम अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप से निकाल दिया गया था, अलबत्ता इन पर पाबंदियाँ बरकरार रखी। दोस्तों, इन चार नुकात के अलावा इस माहदे की हेडलाइन ये थी कि अमेरिका और गैर मुल्की अफवाज ने अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। ये तय किया गया कि मुआहदा होने के 14 माह के अंदर विदिन 14 मंथ्स अमेरिका और दीगर गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। मुआहदे की ये शिक दोस्तों तालिबान के लिए फतह का ऐलान थी। इसका मतलब था कि अफगान हुकूमत अब दिनों की मेहमान है। अब वैसे तो इस मुआहदे में बज़ाहिर अफगान हुकूमत को भी एक स्टेक होल्डर तस्लीम किया गया था, लेकिन हकीकत में ये मुआहदा सिर्फ अमेरिका और तालिबान के दरमियान था। काबुल हुकूमत ना तो इस मुआहदे में सिग्नेटरी थी और ना ही मुज़ाकरात में शरीक रही थी। यही वजह थी कि इस मुआहदे के बाद जब अमरीकी हुकूमत ने मरहलावार अफगानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने की बातें शुरू की तो काबुल में सदर अशरफ गनी अमरीकियों को नाराज़गी दिखाने लगे। इसका एक सबूत उस वक्त सामने आया जब इस मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान की जेलों से तालिबान कैदियों को रिहा करने की बात आई तो अफगान सदर अशरफ गनी ने इनकार कर दिया। अलबत्ता काफ़ी अरसे बाद फिर इन कैदियों को रिहा बहरहाल कर दिया गया था। तो दोस्तों, यूँ वो मुज़ाकरात मुकम्मल हुए या तकमील की तरफ चले जो अफगान हुकूमत, भारत, पाकिस्तान और किसी हद तक ईरान को भी पसंद नहीं थे। अब हम आते हैं दोस्तों उस आखिरी दिन या दिनों पर जब अचानक बाइडन ने अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म दिया और तालिबान ने आंधी और तूफान की तरह एक एक करके पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। आखिर इतना अचानक क्या हुआ था कि तालिबान से बाइडन ने जो तारीख दी थी आखिरी डेडलाइन को तौसी करते हुए जो तारीख दी थी उससे भी काफ़ी पहले जाने का फैसला कर लिया। आखिरी दिनों में जब अमेरिकी जंगी माहरीन कह रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्ज़े में 6 माह लग जाएंगे, मगर तालिबान तो 10वें दिन काबुल पर अपना परचम लहरा रहे थे। इस कहानी से भी दोस्तों पर्दा उठाएंगे कि क्या हुआ था, मगर इसके लिए आपको अगला वीलॉग देखना होगा, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ये सारी कहानी अच्छे तरह समझने के लिए आपको ये प्लेलिस्ट शुरू से देखना होगी। और जहाँ देख लीजिए कि मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब और ईरान की जंग में आखिर क्यों फंसे रहे हैं और काफ़ी हद तक अब भी हैं।